नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 500 बेड वाले ईएसआई अस्पताल में शिलान्यास किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूद रहे। रविदास जयंती के मौके पर भिवानी में प्रदेश के कृषि पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने महाअभियान का आगाज किया और हुड्डा पार्क के सामने सफाई अभियान चलाया। रविदास जयंती पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव दयालपुर में महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ कृतला के विधायक नयनपाल रावत और जिले के डीसी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने बेहोली गांव में महासफाई अभियान का आगाज किया। इस मौके पर सीईओ सतवीर कुंडू और बीडीपीओ साहब सिंह भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र के एक गांव को स्वच्छ बनाने के लिए हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने गांव मलेकपुर से महासफाई अभियान का आगाज किया। भिवानी के बापोड़ा गांव में T-55 टैंक का अनावरण समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने T-55 टैंक का अनावरण किया। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बहादुरगढ़ में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई। नगर परिषद की वोटर लिस्ट फाइनल करने में जुटे दर्जनों कर्मचारी। विधानसभा की वोटर लिस्ट को वार्ड वाइज बांटने का काम हो रहा। बल्लभगढ़ के सिटी पार्क को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही। बल्लभगढ़ से ही दो बार विधायक और हुड्डा सरकार में संसदीय सचिव रह चुकी शारदा राठौर ने मोर्चा खोला। शारदा राठौर ने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि सरकार इस पार्क को नहीं बचा पा रही। वोलाचीका का विकास चंडीगढ़ की तर्ज पर करवाने वाले जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के दावों की पोल। हल्के की सड़कें सरयाम खोल रही हैं। आज हल्के की हर सड़क की हालत दयनीय है। बरसात होने पर ये सड़कें तालाब का रूप धारण कर लेती हैं, जिसको लेकर अब जेजेपी के हल्का अध्यक्ष अवतार सिंह ने भी विधायक के विकास के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक द्वारा हल्के की सड़कों की समस्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक नहीं पहुंच पाई। कुछ दिन पहले वो हल्के के लोगों के साथ मुख्यमंत्री को मिले थे और मुख्यमंत्री को हल्के की सड़कों की स्थिति के बारे में अवगत करवाया था। रतला के दुदूरा गांव की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनने के लिए लगभग 90 एकड़ जमीन फ्री में देने पर सरकार ने ग्रामीणों से उनके बच्चों को नौकरी और कॉलेज में दाखिलों में रिजर्वेशन देने का वादा किया था। वहीं सीमांग को लेकर दुदूरा गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नयनपाल रावत ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर जल्द इसे पूरा करने की मांग रखी। ग्रामीणों की मांग है कि उनके पास अब खेतीबाड़ी करने का साधन भी नहीं रहा, जिसके चलते वो बेरोजगार हो गए। उनकी मांग है कि उनके बच्चों को सी और डी ग्रुप की नौकरियां दी जाएं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। विधायक नयनपाल रावत ने भी ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। पंजाब में वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की 3 रैलियों का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को जालंधर में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील करेंगे। वहीं पीएम मोदी 16 फरवरी को पठानकोट में चुनावी रैली करेंगे, जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी 17 फरवरी को आबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि पंजाब की 117 सीटों पर बीजेपी इस बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 44,877 नए मामले आए सामने। 684 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 920 नए मामले आए सामने। 13 संक्रमितों की मौत हो चुकी। 1,388 लोग डिस्चार्ज हुए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,173 नए केस, 7 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,300 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 368 नए केस आए सामने, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई। एक दिन में 400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 2,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 89 नए संक्रमित, 213 मरीजों ने कोरोना को दी मात। हिसार में 24 घंटे में कोरोना के 56 नए संक्रमित, 55 मरीजों ने कोरोना को दी मात। एक्टिव केस 300 के पार।
सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए संक्रमित, 31 मरीजों ने कोरोना को दी मात, एक और संक्रमित की मौत। अंबाला में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए संक्रमित, 66 मरीजों ने कोरोना को दी मात, एक और संक्रमित की मौत हुई। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 21 नए संक्रमित, 21 मरीजों ने कोरोना को दी मात, दो संक्रमितों की मौत। झज्जर में 24 घंटे में कोरोना के 35 नए संक्रमित, 40 मरीजों ने कोरोना को दी मात, एक संक्रमित की मौत। बल्लभगढ़ के बीचों बीच बने सबसे बड़े सिटी पार्क को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौके पर जोरदार प्रदर्शन किया। एक व्यक्ति द्वारा कोर्ट से केस जीतने के बाद जिला प्रशासन ने सिटी पार्क की 4 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन पर कब्जा उस व्यक्ति को दे दिया है, जिसको लेकर बल्लभगढ़ में फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो विकल्प के तौर पर केस जीते हुए व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह भी जमीन दे सकती है, क्योंकि बल्लभगढ़ में सिर्फ 1-5 सरकारी पार्क है, जिससे सुबह शाम सैर करने वालों को काफी परेशानी होगी। गरौंडा स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 मंजिला नया शैक्षणिक ब्लॉक बनेगा। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्लॉक में 18 क्लासरूम होंगे। स्कूल में छात्र संख्या बढ़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को कमरों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। विभाग की तरफ से नए भवन के निर्माण के लिए 2.45 करोड़ की अप्रूवल दी गई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को वर्ष 2020 में मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया था। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदले जाने के बाद CBSE पैटर्न पर पढ़ाई होगी। स्कूल में हुए बदलाव से दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। जहां साल 2020 में स्कूल में छात्रों की संख्या 576 थी, जो कि अब साल 2021 में बढ़कर 802 हो गई। रेवाड़ी में देर रात गौ तस्करों का गौ रक्षा दल की टीम से सामना हो गया, जहां गौ रक्षा दल के सदस्यों ने गौ तस्करों का पीछा किया और 2 गौ तस्करों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 3 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ का वीडियो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गौ तस्कर पीछा कर रही गौ रक्षा दल की टीम पर पथराव कर रहे और कांच की बोतलें फेंक रहे। इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियन आइडल शो में बतौर जज की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर फरीदाबाद की साहित्यिक संस्था बुक्स एंड बायंस पहुंचे, जहां उन्होंने मां मातृभूमि और मोहब्बत पर जमकर समा बांधा। बुक्स एंड बियॉन्ड्स की संस्थापक श्वेता अग्रवाल से मनोज मुंतशिर ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान दूर दराज से उनके प्रशंसक उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने सभी से अपील की कि माँ बाप को हम अपने जीवन में महत्व देना बंद कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए, माँ बाप के साथ समय जरूर बिताएं। सूना के देवीलाल स्टेडियम में विराट दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें नामी पहलवानों ने शिरकत की। दंगल में लगभग 1 दर्जन पहलवानों ने अपने जोड़ीदारों से हाथ मिलाए और एक दूसरे को दांव पेच के सारे पटकनी दिए। दंगल में गैर प्रांतों से पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया। सोना पहुंची अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी नेहा राठी ने कहा कि महिलाओं को रेसलिंग में जरूर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में रेसलिंग में तमाम सुविधाएं आ चुकी हैं, ऐसे खेल जगत में काफी उम्मीदें जगी हैं, खिलाड़ी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। फैसिलिटी के बाद अब खिलाड़ी देश के लिए काफी मेडल भी ला रहे हैं। अर्जुन अवार्ड विजेता नेहा राठी सोना के देवीलाल स्टेडियम में आयोजित दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज देश की नामी कंपनी गोदरेज बिल्डर द्वारा प्लॉट अलॉटमेंट में धांधली का आरोप लगाते हुए प्लॉट धारकों ने जमकर बवाल काटा। कंपनी पर प्लॉट धारकों के साथ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम के आयोजकों को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बजाकर मामले को शांत कराया। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 83 में गोदरेज बिल्डर प्लॉटिंग करा रहा, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्लॉट लेने के लिए लाखों रुपये भी बिल्डर को दे रखे हैं। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो नंबर उन्हें फोन पर इन्विटेशन देते समय बताया गया था, वो प्लॉट नंबर यहां पर आने के बाद गोदरेज कंपनी के बिल्डर द्वारा बदल दिया गया। फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला। अस्पताल की इमरजेंसी में अचानक बिजली चली गई। अस्पताल में करीब आधे घंटे तक बिजली गुल रही। इस दौरान डॉक्टर मरीजों का टॉर्च की रोशनी से इलाज करते हुए नजर आए। अस्पताल में लाइट नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे का नीकू वार्ड में भी काफी परेशानी हुई।
कोविड महामारी के चलते लंबे समय बाद स्कूलों में एनएसएस कैंप की शुरुआत की गई, जहां स्वयंसेवकों ने विद्यालय प्रांगण की सफाई के साथ कोरोना संक्रमण के बचाव के प्रति जागरूक किया। किसानों पर दर्ज केस लिए जा रहे हैं वापस, पंचकुला में डीसीपी ने रिपोर्ट बनाकर पंचकुला डीसी को भेजी। पंचकुला में किसानों पर दर्ज किए गए थे 5 मामले। डीसी ने कहा कि पंचकुला में किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। पंचकुला कोर्ट में भी पंचकुला पुलिस की ओर से एफिडेविट पेश किए गए। रेवाड़ी में लव जिहाद का मामला झूठा निकला। 11 अक्टूबर 2020 को नाबालिग युवती की मां ने थाने में शिकायत देकर इसे लव जिहाद बताया था। शिकायत के शुरुआती दिनों में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब यह मामला मीडिया में सुर्खियों में आया तो उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी। 17 महीने से लापता नाबालिग युवती ने अपने नानी के पास फोन किया और कहा कि उसके साथ मारपीट की जा रही, उसकी जान को खतरा भी, इसलिए उसे बचाया जाए। कैथल में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। बुढ़ापा पेंशन कटने पर कहा कि बुढ़ा आंदोलन भी होगा, सरकार याद रखे। राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में आंदोलन ही आंदोलन होंगे, हम युवाओं को आगे करेंगे, उनका साथ देंगे, लेकिन राजनीति पर नहीं आएंगे। पड़ोसी राज्य में हो रहे चुनाव के मद्देनजर 14 नाके लगाए गए। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दूसरे चरण के चुनाव में यमुनानगर से सटे यूपी के सहारनपुर में 14 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव शांतिपूर्वक हो सके इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। जिला उपायुक्त पुलिस अधीक्षक ने कलानूर बॉर्डर और शाजापुर पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया। पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई। पंजाब के साथ तटीय हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। हरियाणा पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस ने पुलिस की नाकेबंदी की। पंजाब पुलिस के साथ साथ मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस को लगाया गया है, तो वहीं मौके पर गाड़ियों की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। प्रशासन की एक टीम भी मौके पर मौजूद है। पलवल की शुगर मिल में तकनीकी खराबी के चलते मिल को बंद कर दिया गया। मिल बंद होने से गुस्साए किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साए किसानों ने मिल प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही मिल बंद होती रही तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। कर्मचारियों ने कहा कि मिल को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। सोनीपत में बिजली लाइन को ठीक करने के लिए पुल पर चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाया। बिजली के पुल पर काम करने के दौरान अचानक लाइट चालू कर दी गई, जिससे कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाह बिजली निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग रखी। ग्रामीणों ने सिविल अस्पताल के सामने जाम लगाया। ग्रामीण जिला उपायुक्त और बिजली विभाग से लिखित रूप में आश्वासन की मांग कर रहे हैं। रतिया में चिट्ठे जैसे नशे की रोकथाम के लिए ग्रामीणों ने ठीकरी पहरा लगाया। सारी रात गांव के चारों तरफ गांव के लोग ठीकरी पहरा दे रहे। गांव रताखेड़ा में 51 सदस्य कमेटी का गठन कर रात के समय गांव के हर चौराहे पर गांव के बीचों बीच गांववासियों द्वारा ठीकरी पहरा शुरू कर दिया गया है। बाहरी व्यक्ति पर गांव में प्रवेश पर रोक है। पुलिस की टीमें भी सारी रात पेट्रोलिंग के दौरान गश्त कर रही हैं, नाके लगाकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रही हैं। फरीदाबाद के नर्सिंग होम में अवैध रूप से गर्भपात करने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर नदारद मिले। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने ढोल और प्लेट चम्मच बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया, साथ ही रमेश कौशिक की आवाज का घेराव किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग है कि न्यूनतम वेतन 24,000 किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। सिरसा में यातायात नियमों की अवहेलना लोगों को महंगी पड़ने लगी है। यातायात थाना पुलिस लगातार अभियान चलाकर नियमों की अवहेलना करने वालों की चालान काट रही है। फूड कॉलोनी स्थित फाटक के निकट यातायात थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जहां नियम तोड़ने वाले करीब 12 लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान यातायात थाना पुलिस ने एक ऐसी बाइक को इंपाउंड किया जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर की जगह जाट लिखा हुआ था। यातायात थाना पुलिस ने नियम अवहेलना करने वाले करीब 12 लोगों के चालान काटे, जिनके चालान काटे गए वे या तो गलत साइड से जा रहे थे या फिर ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे। गन्नौर की स्टील स्क्रैप फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई। इस दौरान 25 से ज्यादा मजदूर बेहोश हो गए, कई महिला श्रमिकों की हालत गंभीर।
गुरुग्राम एमजी रोड पर चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कार चालक ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। करनाल पुलिस ने फिल्मी अंदाज में खुद के किडनैप होने की झूठी कहानी बनाकर पुलिस और अपने परिवारजनों को चकमा देने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरसा में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। एंटी नारकोटिक सेल पुलिस ने जनता भवन रोड से हजारों की तस्करी पकड़ी। पुलिस ने 500 ग्राम अफीम समेत मोटरसाइकिल सवार तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ शहर थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पलवल के गांव फुलवाड़ी में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने का मामला आया सामने। डॉक्टर को पहले शराब पिलाई, उसके बाद मारपीट की गई, फिर उसके सिर में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में डॉक्टर को अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में चार नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। पानीपत के असंध फ्लाईओवर के पास हादसा हो गया, जिसमें एक युवती ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रही थी युवती। रोहतक में बढ़ते नशे को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत खरावड़ गांव से हुई। अभियान में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें नशे से दूर रहने की बात कही। फरीदाबाद में बीती देर रात तहसील चौक क्षेत्र में आधा दर्जन युवकों ने एक घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया। गालियां निकालते हुए युवकों ने गेट तोड़ने का प्रयास किया और ईंट बरसाई। इस घटना से सभी परिवार ने 112 पुलिस को बुला लिया। इतने में युवक वहां से रफू चक्कर हो गए। घटना का वीडियो वायरल। होटल में नेशनल हाईवे 19 पर रेलवे चौक के पास एक दुकान में भयंकर आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर आग। दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से दुकान मालिक का 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ। यमुनानगर के जम्मू कॉलोनी निवासी युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का शव रणधीर त्यागी के फार्म हाउस की टॉयलेट से बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच अधिकारी ने कहा कि मृतक स्मैक पीने का आदी था और उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। गोला चीका के चक्कूलादाना गांव में पुलिस ने एक युवक से 860 नशे की गोलियां बरामद की। आरोपी केदार पंजाब से जुड़े होने की आशंका। राजधानी दिल्ली के लोगों को अभी हल्की धुंध और ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सूरज के निकलने पर मौसम साफ रहेगा, ठिठुरन भी कम होगी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्का कोहरा और ठंड थी। कई जगह पर कोहरा और धुंध अधिक होने से लोगों को नजदीक भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा बना रहेगा।